ब्यूटी स्टाइल लता, मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी दुर्गा पूजा लुक। तो ये मेकअप लुक एंड हेयर लुक, ये दोनों मैं लुक आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो ये है फुल लुक। मैंने हेयर किया है, ये मैसी हेयर बन किया है ये सामने से ऐसे, और ये है इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर कमेंट्स एंड डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू। कलर बार का प्राइमर यूज़ कर रही हूँ, ये चीक चिन पे और आइज़ के एरिया पे मैं अच्छे से लगा लूँगी। इससे मेरे ओपन पोर्स क्लोज हो जाएगा और फाउंडेशन अच्छे से सेट हो जाएगा। अब मैं फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ मेबलिन सुपरस्टे 24 आवर्स फुल कवरेज फाउंडेशन, और इसका शेड है हनी 320। अब मैं इसे डॉट डॉट करके पूरे फेस में फाउंडेशन लगा लूँगी। अब मैं इसको फाउंडेशन ब्रश से फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। अब मैं ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से फिनिशिंग कर लूँगी। अब मैं कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, ये मेबलिन कंसीलर है। मैं लोअर आइज़, अपर आइज़, नोज़, फोरहेड और जॉ लाइन पे और चीक पे लगा लूँगी। अब मैं ब्यूटी ब्लेंडर से कंसीलर को ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से। जहाँ जहाँ मैंने कंसीलर लगाया है वहाँ वहाँ ग्लोइंग हो जाएगा और हाईलाइट जैसे दिखेगा। अब मैं मिस क्लियर के आईब्रो पेंसिल यूज़ कर रही हूँ, इसका शेड है ब्राउन शेड। अब मैं शैम्बोर के कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर रही हूँ, ये मैं ब्रश से पूरे फेस पे लगा लूँगी। मेरे फाउंडेशन और कंसीलर सेट हो जाएगा अच्छे से और ऑयली और पैची लुक नहीं होगा। अब मैं ये आई शेडो पैलेट से, ये ब्राउन कलर आई शेडो मैं आईज़ पे लगा लूँगी। ये आईज़ के क्रीज के ऊपर मैं अपर आईज़ के क्रीज के ऊपर मैं लगा लूँगी और इसको हल्का सा विंग जैसे करूंगी। अब मैं ये रेड कलर के आई शेडो पैलेट से ये रेड कलर आईज के क्रीज पे अपर आईज के क्रीज के पास से मैं एक लाइन ड्रॉ करके अच्छे से ब्लेंड करूंगी। अब मैं लोअर आइज पे भी रेड कलर के आई शेडो लोअर आइज पे भी लगा लूंगी। अब मैं ये गोल्डन कलर, ये कॉपर गोल्डन है, ये कलर मैं आईलिड पे ब्लेंड कर लूंगी। आईलिड के इनर कॉर्नर से लेके आउटर कॉर्नर तक अच्छे से लगा लूंगी।
अब मैं ये आई शेडो पैलेट से ये लाइट गोल्डन कलर आइज़ के मिडिल में लगाऊंगी, आईलिड के ऊपर लगाऊंगी। फिंगर से मैं लगा रही हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक अलग सा मतलब सनसेट जैसे कलर होगा, डार्क गोल्डन और लाइट गोल्डन में। अब मैं रेड कलर का जो आई शेडो लगाया था उसी ब्रश से एक बार ब्लेंड कर लूँगी कि कॉपर गोल्ड का कोई एजेस ना दिखे। अब मैं आइज़ के इनर कॉर्नर में भी ये कॉपर गोल्ड के अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। अब मैं आईब्रो को हाईलाइट कर रही हूँ। अब मैं आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ, आईलाइनर मैं आइज़ पे लगा लूँगी और एकदम पतली सी आईलाइनर लगाऊंगी और विंग आईलाइनर करूँगी मैं। अब मैं मेबलिन के काजल यूज़ कर रही हूँ, ये मैं लोअर आईलाइनर पे काजल लगा लूँगी। अब मैं मश्करा यूज़ कर रही हूँ, शैम्बोर के मश्करा हैं, मैं अपर आईलैशेस और लोअर आईलैशेस पे मश्करा लगा लूँगी। अब मैं पैक के कॉन्टर पैलेट यूज़ कर रही हूँ, चीक पे मैं कॉन्टर कर लूँगी। फोरहेड में भी मैं कॉन्टर कर लूँगी और जॉ लाइन में भी कॉन्टर कर लूँगी। नोज़ में भी मैं कॉन्टर कर लूँगी, पतली सी ब्रश लेके मैं नोज़ में कॉन्टर कर लूँगी। शुगर के कॉन्टर पैलेट से मैं ब्लश यूज़ कर लूँगी, चीक एरिया पे मैं ब्लश कर लूँगी। अब मैं मेबलिन मास्टर क्रोम के हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ, मैं चीक एरिया पे हाइलाइटर कर लूँगी। नोज़ में मैं हाइलाइटर कर लूँगी, फिंगर से मैं हाइलाइटर लगा लूँगी। अब मैं शुगर की लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ, इसका शेड है 52 नंबर शेड है। अब मैं कलर बार के फिनिशिंग स्प्रे यूज़ कर रही हूँ, इससे मेरा मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। अब मैं ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी कि स्प्रे के कोई डॉट डॉट है तो उसको अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा। हेयर मैंने पहले से कर्ल कर लिया है, चॉपस्टिक से कर्ल किया है और ये है पफ हेयर, तो ये पफ से मैं हेयर के बीचों बीच में थोड़ा लगा लूँगी और फ्रंट साइड में मैं थोड़ा पफ कर लूँगी। मैंने हेयर को कर्ल इसलिए किया है कि ये मैसी हेयर जूड़ा मैं बना रही हूँ तो फ्रंट से भी मैसी हेयर पफ होगा, ये एक अलग ही लुक आएगा।
अब बालों को मैं ऐसे करके अच्छे से पफ कर लूँगी। अब मैं पिनअप कर लूँगी बॉब पिन से। कॉम के बैक साइड से मैं थोड़ा पफ अच्छे से सही कर लूँगी। अब मैं ये एक हेयर बैंड ले लूँगी। हेयर बैंड से मैं पीछे के बालों को एक पोनी कर लूँगी। अब मैं ये डोनट लूँगी, ये हेयर डोनट है, इसको मैं बालों में ऐसे करके रोल करती जाऊँगी। मैं मैसी हेयर जूड़ा बना रही हूँ, तो इतना मतलब शार्प तरीके से करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जैसे जैसे उसको डोनट में रोल करने के बाद अब पिनअप कर लूँगी। अब मैं यू पिन से डोनट और बालों को मैं अच्छे से सिक्योर कर लूँगी और बॉब पिन भी इसमें मैं लगा लूँगी। बालों में मैं बॉब पिन लगा रही हूँ कि बाल मेरे डोनट हिले ना और अच्छे से सिक्योर रहे। हेयर मेरा कंप्लीट हो गया है। अब मैं हेयर में रोजेस लगा लूँगी। ये आर्टिफिशियल रोज है, तो मैं बालों में अच्छे से पिनअप कर लूँगी। अब मैं सिंदूर लगा लूँगी। अब मैं बिंदी लगा लूँगी और एक्सेसरीज इयररिंग भी मैं पहन लूँगी। मेरा मेकअप कंप्लीट हो गया। ये है मेरे फाइनल लुक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।